नदी है पूरा, बहुत चौड़ा नदी है, लेकिन ज़्यादा जो है ना उस साइड में। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह के 6:30 हो गया है और इस समय का व्यू दे सकते हैं दोस्तों सुबह सुबह का। और दोस्तों मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ घूमने के लिए, हमारा डेली रूटीन इधर का ही है, मैं इधर ही आता हूँ। देख सकते हैं इस तरह का व्यू है दोस्तों पूरे खेत की तरफ। और दोस्तों धुंध लगा हुआ है, जास्ती धुंध नहीं है लेकिन फिर भी बहुत धुंध है और ठंडा बहुत लग रहा है दोस्तों। देख सकते हैं चादर ओढ़े हुए हैं, गमछा बांधे हुए हैं कान में। तो चलते हैं दोस्तों, फिलहाल थोड़ा सा घूम के आते हैं। अभी आया हूँ तो थोड़ा सा वो पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पास में एक्सरसाइज किया हूँ और थोड़ा सा वीडियो अपलोड किया हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा चलते हैं, आगे से घूम के आएंगे। और देख सकते हैं इधर पूरा उरा दौनी हुआ है, वो सब ऐसा ही है, सारे पूरा उरा सब है। तो इधर देख सकते हैं गेहूँ पड़ चुका है, इतना बड़ा बड़ा गेहूँ सब हो गया है। तो चलिए दोस्तों अभी फ़िलहाल थोड़ा सा आगे से घूम के आते हैं, फिर चलेंगे घर, घर पर चल के। और कल फेरी करने गए हुए थे तो जो जो माल कमी है वो सबको अच्छे से गिन गिन करके बांधेंगे। इस समय ठंडी का कपड़ा सब, ट्राउज़र स्वेटर यही सब बिकता है, और कुर्ती उर्ती नाइटी उटी सब बिकता है। तो चलते हैं दोस्तों फिलहाल घूम के चल के, और जो जो कमी सब है वो सब बांध लेंगे। तो चलिए फिलहाल घर पे मिलते हैं दोस्तों। घर आ गया दोस्तों अभी, और चाय पी रहे हैं देख सकते हैं, तो चाय पीते हैं और साथ ही साथ माल भी सरियाना है तो सब सरिया लेते हैं। पहले पानी पी लेते हैं। दोस्तों सारे माल को सरिया लिया, देख सकते हैं ये भी हो गया गमछा, और इतना तो है स्टॉक में, देख सकते हैं दूज हो रहा है आते उधर नीचे में है, और बोरा में का भी थोड़ा सा बचा है, खाली एक दो साइज का ट्राउजर है बस, इसमें का भी हो गया टोटल। और देख सकते हैं इधर पूरा खाली, और सरवन अभी पढ़ाई कर रहा है देख सकते हैं। तो टाइम दोस्तों 8:30 हो गया है, और अभी चलते हैं फ्रेश होने, फ्रेश होकर के फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी छत पे आ गया हूँ, और देख सकते हैं पानी भर रहे हैं, अभी पानी भर रहे हैं, पानी भर लेते हैं ये बाल्टी में और कपड़ा में, उसके बाद में स्नान करेंगे, स्नान स्नान कर लेते हैं अच्छे से फ्रेश हो करके, और तेल उल कर करके फिर मिलते हैं। तो चलिए फिलहाल दोस्तों पानी भर के स्नान करते हैं। तो अभी स्नान कर लिए, अब चलते हैं सीधे घर और तेल उल लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों अभी स्नान कर लिए, और देख सकते गाड़ी भी निकाल लिया ऊपर उधर, और कृष्णा को देखिए इधर, कृष्णा खेल छा देखिए आ रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, और पहनते हैं जामा को, पहन लेते हैं, उसके बाद में लोड करेंगे गाड़ी पे ए माल को। चलिए फिर यार दोस्तों पहन लेते हैं जामा, और खाना भी खाना है, खाना अभी रेडी हो रहा है, पहले जामा पहन लेते। तो अभी घर से मैं निकल चुका हूँ देख सकते हैं, और आज भी माल भरपूर है। और फिलहाल चलते हैं दोस्तों आज दूसरे तरफ, क्योंकि एरिया बदल बदल कर फेरी करना जरूरी होता है, एक ही एरिया में सब दिन नहीं, जिस एरिया में गए उस एरिया में लगभग 5-7 दिन बाद जाते हैं, तो आज जाते हैं लगभग 10 दिन बाद इस एरिया में, देखते हैं क्या होता है। चलते हैं दोस्तों फिलहाल घूमते हैं, और देख सकते हैं मौसम इस तरह का है आज, मस्त है। सुबह सुबह तो धुंध ज़्यादा लगा हुआ था, लेकिन अभी धूप पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और धूप ठीक ठाक है। फिर दोस्तों फिलहाल घूमते हैं, और एगो गाँव घूम के फिर मिलते हैं। पिछले बार मतलब कई बार इस गांव में बिक्री होता था, लेकिन आज भी नहीं हुआ है, दोस्तों भी नहीं हुआ है, अपना गांव और ये गांव में घूमते हुए आया हूँ, बिक्री नहीं हुआ है दोस्तों। अभी तो ऐसे अपने गांव में भी बढ़िया हो जाता था, लेकिन चलिए फिलहाल घूमते हैं अगले गांव की तरफ। अभी लगभग आधा घंटा तो घर से निकला हुआ है,
कितना 400 में 20 रुपया कम, यानी कि 380 रुपये का सेलिंग हुआ है, तो सेलिंग ठीक हुआ है। दो गांव में तो साफ नहीं बोनी हुआ था, लेकिन तीसरा गांव में हो गया 380 रुपये का बिक्री। चलिए फिलहाल घूमते हैं, उसी गांव में एक और छोटा सा टोला है, उसमें चलते हैं घूमते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों। अभी लगभग 11:15 हो गया है, 1 घंटा चला हो गया घर से, फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं बाद में। अभी लगभग 12:30 हो गया है, 12:30 बजे तक अभी टोटल सेलिंग हो गया है 750 का सेलिंग हो गया है, और वहाँ से चलने के बाद 220 रुपये का सेलिंग हुआ है। तो दोस्तों अभी चलते हैं फिलहाल घूमते हैं, और 1250 हो गया है, और इस समय से देखते हैं कितना गांव घूम पाते हैं और कितना का सेलिंग होता है। तो चलिए फिलहाल घूमते हैं दोस्तों अगले गाँव। तो अभी मैं बांध के नीचे होकर के जा रहा हूँ, देख सकते हैं बांध है साइड में। और दोस्तों अभी पिछला वाला गांव में घूमा हूँ तो कितना 350 का सेलिंग हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं फिलहाल घूमते हैं, और ये बांध है दोस्तों मेरे बैक साइड में, और बांध के उस साइड में बागमती नदी है। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं और अगला गांव में घूमते हैं, घूम के और फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना का सेलिंग होता है अगला गाँव में। तो अभी मैं बागमती नदी के बांध पर हूँ, देख सकते हैं, और ये साइड में नदी है पूरा, बहुत चौड़ा नदी है, लेकिन ज़्यादा जो है ना उस साइड में खर ही ज़्यादा है, और यहाँ पे बांध के साइड में आ गया है। ये बांध है दोस्तों, अगता बांध है, और आगे जो है ना अगता बाज़ार है, और दोस्तों हमारा गाड़ी इधर लगा हुआ है, देख सकते हैं। बांध के नीचे होकर के जो है ना रास्ता है, तो इसी होकर के आए हैं। उधर कौन सा गाँव है, रमनगरा से ही आ रहे हैं। तो अभी चलते हैं दोस्तों, घूम लिए थोड़ा सा इधर, और इधर हमारा गाड़ी लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी हो गया है पूरी तरह से अंधेरा, और टाइम हो गया है लगभग 5:15, और दोस्तों आज जो है ना वो लगभग 2 बजे के बाद जो है ना भगवाना भी पड़ा है, और उसके बाद में जब 4 बजे है तो एक ही टोला में गए हैं, तो वहीं पे शाम हो गया है। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं सीधे घर की तरफ, और दोस्तों देखते हैं अंधेरा हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल चलते हैं घर। खाली दोस्तों अभी घर पहुंच गया, और जैसे पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, और अभी आके पूरा माल उतारा हूं, अभी साइड में रखा हुआ है ये सब इधर, और इधर गमछा है। और दोस्तों कितना अभी टाइम हो गया है, लगभग 5:30 अभी हो गया है, तो लगभग 15 मिनट लगा है आने में वहाँ से। तो चलिए अभी सारे टोटल पैसा गिनती करते हैं, टोटल कितना होता है दोस्तों। ये खुदरा 148 है, और ये वाला सबसे टोटल गिनती करते हैं, ये जैसे जैसे मिला है वैसे वैसे रखे हुए हैं, तो टोटल मिलाते हैं कितना हुआ है। इसमें सब है 100, 50, 500 सारे नोट है, तो सारे को गिनती करते हैं कितना होता है, मिल सरिया करके दोस्तों। सारा सरिया लिया दे सकते हैं, इसमें सब है 500, 200, 100, 150, 10, 20 है। तो चलिए दोस्तों सारे को गिनती करते हैं टोटल कितना होता है। तो दोस्तों गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 31, 32, 60, 70, 71, 30, 100, 31, 32। दोस्तों हमारे पास सारा रुपया कितना है, 3230 रुपया है, 3230 रुपया है, जिसमें मैं 510 रुपया लेकर गया हुआ था। तो 2720 रुपया का सेलिंग हुआ है आज। तो ठीक है सेलिंग दोस्तों, बहुत वो आना पड़ा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सेलिंग हुआ है, तो देख सकते हैं 2720 रुपया। चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज का सेलिंग 2720 रुपया हुआ है, और इसी के साथ में आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, गुड लक।